तो हाय गाइस, तो स्वागत है मैं और एक नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं वीवो प्रो कबड्डी सीजन 9 के न्यू पॉइंट्स टेबल, ए पॉइंट्स टेबल आफ्टर 77 मैचेस। तो चलिए शुरू करते वीडियो को। अब तक हुए 77 मैच के ऊपर जो सबसे निचले पायदान पर टीम है वो है तेलुगु टाइटंस। तेलुगु टाइटंस ने अब तक खेले 13 मैचेस, उसमें से सिर्फ एक जीते हैं, 12 मैच हारे हैं और कुल मिलाकर पॉइंट से 9। वही 11वें पायदान पर है गुजरात जायंट्स, उन्होंने खेले कुल 12 मैचेस, उसमें से 5 जीते हैं, 6 मैच हारे हैं और एक मैच टाई रहा और कुल मिलाकर पॉइंट से 31। वही 10वें पायदान पर है हरियाणा स्टीलर्स, उन्होंने खेले कुल 13 मैचेस, उसमें से 4 विन 7 लॉस, 2 मैच टाई रहा और कुल मिलाकर पॉइंट से 31। वही 9वें पायदान पर है तमिल तलाईवास, उन्होंने खेले कुल 13 मैचेस, उसमें से 5 जीते, 6 मैच हारे हैं और 2 मैच टाई रहा और कुल मिलाकर पॉइंट से 35। वही 8वें पायदान पर है दबंग दिल्ली, उन्होंने खेले कुल 13 मैचेस, उसमें से 6 जीते हैं, 7 मैच हारे हैं और कुल मिलाकर पॉइंट से 35। वही 7वें पायदान पर है बंगाल वॉरियर्स, उन्होंने खेले कुल 12 मैचेस, उसमें से 6 मैच जीते हैं, 4 मैच हारे हैं और 2 मैच टहरा और कुल मिलाकर पॉइंट से 37। वही 6ठे पायदान पर है पटना पायलट्स, उन्होंने खेले कुल 13 मैचेस, उसमें से 6 जीते हैं, 5 मैच हारे और 2 मैच टहरा और कुल मिलाकर पॉइंट से 38। वही 5वें पायदान पर है यूपी उत्थान, उन्होंने खेले कुल मैचेस 13, उसमें से 6 मैच जीते हैं, 5 मैच हारे और 2 मैच टाई रहा और कुल मिलाकर पॉइंट से 40। वही 4थे पायदान पर है यू मुंबा, उन्होंने खेले कुल मैचेस 13, उसमें से 8 मैच जीते हैं, 5 मैच हारे और कुल मिलाकर पॉइंट से 43। वही 3रे पायदान पर है जयपुर पिंक पैंथर्स, उन्होंने भी खेले कुल 13 मैचेस, उसमें से 8 मैच जीते हैं, 5 मैच हारे हैं और कुल मिलाकर पॉइंट से 43। वही 2रे पायदान पर है पुनेरी पल्टन, उन्होंने खेले कुल मैचेस 13, उसमें से 7 जीते हैं, 4 मैच हारे और 2 मैच टहरा और कुल मैच पॉइंट से 44। और अब तक के हुए 77 मैच के ऊपर जो टॉप पर टीम है वो है बेंगलुरु बुल्स, उन्होंने खेले कुल मैचेस 13, उसमें से 8 मैच जीते हैं, 4 मैच हारे हैं और 1 मैच टहरा और कुल मैच पॉइंट से 46। तो ये था अब तक के हुए 77 मैच के ऊपर पॉइंट टेबल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और प्लीज़ भी सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।